बच्चों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये स्कूल बंद हो रहा है। इस जमीन के मालिक ने स्कूल बंद करके यहाँ होटल बनवाने का फैसला किया है और एक बड़े बिल्डर को उसकी परमिशन भी दे दी है। तुम सब किसी और स्कूल में अपना एडमिशन करवा लो। सर, ये कैसे हो सकता है? आपकी परमिशन के बिना इस स्कूल की बिल्डिंग में होटल कैसे बन सकता है? आपने वो पेपर साइन क्यों किए? मैं स्कूल का मालिक नहीं हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल सर, प्लीज ऐसा मत करिए। इतने सारे बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फाइनल डिसीजन है स्कूल की जमीन के मालिक का, समझे? सर, एक मिनट सुनिए तो। सर, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सर, प्रिंसिपल सर तो एकदम बदल गए हैं। वो मुझे पहचाने तक नहीं। वी, हम चुप नहीं रह सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिंदू, अगर हम उस बिल्डर को डरा के भगा दे तो ये स्कूल नहीं टूटेगा। ओके, चलो हम भूत बनके उसे डराते हैं। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। कौन हो तुम और क्या चाहिए? मैं उस स्कूल में रहता हूँ जिसे आप तुड़वा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे तोड़ के होटल मत बनाइए। तुम उसमें रहते हो? ये कैसे हो सकता है? उसमें तो हॉस्टल नहीं है। मैं तो उसमें 100 साल से रह रहा हूँ। मैं उस स्कूल का भूत हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तुम भूत हो? बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। क्या पियोगे, ठंडा गरम? मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वाह वाह, क्या जादू है! कैसे किया? अब मुझे भी सिखाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। सिखाओ। मैं भूत हूँ, मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता। मान जाओ मेरी बात, स्कूल मत तोड़ना वरना। प्लीज प्लीज, मुझे भी ऐसा जादू सिखाओ ना। प्लीज, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तुम मुझे बच्चा समझ के मुझसे नहीं डर रहे हो ना? मेरे और दोस्त आएंगे और तुम्हारी अच्छी खबर लेंगे। चिंटू, चिंटू! क्या क्या इशारा कर रहे हो?